नमस्कार, मैं हूं धनश्री, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवास में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप चौधरी ने अपने कई कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्लाना के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि नगर निगम देवास एवं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा जिस तरह शहरवासियों को भुगतान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरेलू सामानों को जब्त किया जा रहा है, उनके दुकान और मकान को कुर्क किया जा रहा है, वो निंदनीय है एवं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को शारीरिक एवं मानसिक तरीके से प्रताड़ित करने का एक तरीका है, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस संबंध में बालाघाट क्षेत्र में रहने वाले मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय परिवारों की महिलाओं ने भी अपना दर्द हमें बताया है। इतना सब कुछ होने के बाद अब देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला किस तरह की कार्यवाही करते हैं, क्या आम जनता को नगर निगम और विद्युत मंडल के द्वारा दिए गए बिलों में कुछ राहत देती है या उन्हें किश्तों में भरने का आश्वासन देती है या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। मगर प्रदीप चौधरी और महिलाओं का कहना है कि कल तक अगर हमारे नलों में पानी नहीं पहुंचता है तो हम सड़कों पर बैठ जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। 11 वार्डों में जो पानी बंद किया गया है उसके विरोध में हम लोग आए, साथ ही साथ विद्युत मंडल के द्वारा जो स्थगित बिलों को एक साथ उगाई करना उन्होंने चालू किया, इस कारण से हर नागरिक के ऊपर 15-15, 20 हज़ार रुपये का उन्होंने जो बिल बकाया निकाला है उसके डरा कर मेरे मीटर उठा रहे हैं। समय पर समय चल रहा है, लाइट पानी की फालती आवश्यकता होती है, ऐसे हमें लोगों के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आए। साथ ही साथ नजूल का एक नया फंडा चालू हो गया है, नजूल अलग अपनी उगाई लगाने चालू करने में लगा है, कहीं 5 लाख रुपये तो कहीं 10 लाख के, इसी तरीके से देवास की जनता को बिल दिए जा रहे हैं। हम इसके विरोध में आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अधिकारियों का भी आज उन्होंने हमारी मांगे रखी है, बात करते हैं, हमने टाइम दिया है तो 2-3 दिन के अंदर अगर सारी समस्या आपको कहना कि शाम तक पानी शुरू कर पानी तो अगर इन्होंने कल आज शाम तक तो ठीक है, कल सुबह में भी अगर पानी नहीं मिला तो कल देवास की मेन में मुख्य सड़कें जाम होगी। अब जो प्रशासन को मर्जी में आए करें उसकी जिम्मेदारी प्रशासन। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पे कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे, कारण है ना कौन के लिए कौन कर यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष और भी पार्टी के। देखिए आज ये एक अहम मुद्दा जो आमतौर पर जो मुद्दे आते रहते हैं वो सरकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लेकिन ये तो पानी का मुद्दा है, इसमें आत्मिक हम लोगों को आंदोलन करना, आत्मिक हम लोगों को ज्ञापन प्रेषित करना जरूरी हो गया था। इसके लिए हम लोग मेरा मैसेज आज 12 बजे बाद से स्टार्ट हुआ, 12 बजे हमने सब दूर से हम लोगों की जानकारी लगी, हमको पहले लगा कि नगर निगम प्रशासन को डरा रही है, वो डरा कर ये अपना कर वसूलना चाह रही है, लेकिन उन्होंने उसको हकीकत कर दिया। जब मालूम पड़ा कि आज दिन भर से सुबह से किसी को पानी दिया नहीं तो उसमें तत्परता में हम लोगों को माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित करना था और हमने हमारे कर्तव्य का निर्वहन किया है, इसमें कोई गुटबाजी का काम कैसे का देंगे सब, किसी ने कुछ नहीं दिया और लास्ट टाइम पे साल भर का पूरा बिल लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हो किसी का 2,000 है, किसी का 4,000 है, ऐसा कुछ होता है? 3,000 आप बिल बना रहे हो, पेनाल्टी मार रहे हो, कहाँ से भरे आप? अगर ये इतना आपको पैसे की परवाह थी या बिल की परवाह थी जो भी थी तो आप पहले लाके हमको देते कि नहीं देते? अभी कितने हजार का बिल दिया आपको? 3,000 का बिल दे रहे हैं, 3,000 लगा रहे हैं, 40-40 बताइए कैसे कोई भरेगा? गरीब लोग हैं, पहले ही गरीबी रेखा में जीवन यापन करते तो वहाँ गरीबी मल्टी में जाके मकान लेके रह रहे हैं, वो कैसे भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? बनाना हम लोग पैसा देने से मना नहीं कर रहे हैं, अपने को पानी पीना है तो पैसा देना है, लेकिन कम से कम बात अच्छी करो ना, कि वो करो कि जो जायज है ना जायज, कभी डर की लगती कभी नहीं, वही पैसा कर पाएंगे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।